दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्याज काटने से आंखों में पानी क्यों आता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि पंखे की परों पर गंदगी क्यों जम जाती है? और आखिरकार परिंदों को बिजली की तारों पर बैठने के बावजूद करंट क्यों नहीं लगता? वेल, इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग कुकिंग करना जानते हैं इन्हें यह बात पता होगी कि कोई भी डिश प्याज के बगैर अधूरी होती है। आई थिंक प्याज के बगैर तो कोई भी सालन या फिर चावल बन ही नहीं पाते। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी प्याज काटा जाता है तो मोस्टली लोगों की आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पर तो हम सबको लगता है कि ऐसा प्याज स्मेल की वजह से होता है, पर क्या आपको पता है कि आखिर प्याज के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से हमारी आंखें प्याज से दूर होकर भी नम हो जाती है? दोस्तों, असल में प्याज के अंदर एक खास किस्म का एंजाइम दूध होता है जो हमारी आंखों में शदीद दर्द और जलन पैदा करता है। ये एंजाइम एमिनो एसिड के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। ये असल में सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है जो कि आंखों के नर्व्स को इरिटेट करता है। जैसे ही हम प्याज काटते हैं तो ये एंजाइम फौरन हवा में फैल जाता है और चंद सेकंड्स बाद आंखों तक पहुंच जाता है और जलन होने लगता है। इसलिए दोस्तों, प्याज काटते वक्त अगर कोई करीब भी खड़ा हो तो वो भी आंखों को नहीं बचा पाता। नंबर टू, दोस्तों जैसा कि अब गर्मी का मौसम है और ऑफ कोर्स फैन के बगैर गुजारा नहीं होता। वेल, फैन की बात आ गई है तो आप सबने एक बात नोट की होगी कि पंखों की परों के ऊपर हमेशा काली या इस तरह की धूल जम जाती है। हालांकि फैन के ब्लेड्स काफी स्पीड में मूव करते हैं, लेकिन फिर भी ये धूल इससे रिमूव नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती ही रहती है। दरअसल जब हम कोई फैन ऑन करते हैं तो इसके ब्लेड पहले बाहर से हवा को अपनी तरफ खींचते हैं और फिर हमारी तरफ नीचे की तरफ फेंकते हैं। जब ये बाहर वाली हवा खींचते हैं तो इसमें मौजूद नमी है फैन की ब्लेड पर लग जाती है। जो फैन बैंड होता है तो हर चीज की तरह इसके ऊपर भी मिट्टी मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही इसे ऑन किया जाता है तो बाहर से आने वाली नमी इस धूल को पंख के ऊपर ही चिपका देती है और वक्त गुजरने के साथ साथ यह धूल बढ़ती जाती है। नंबर थ्री, दोस्तों आप सबने रोड पर जाती हुई कई हैवी व्हीकल को देखा होगा। वैसे तो इन ट्रक्स में कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन आप सबने कभी न कभी नोट किया होगा कि रोड पर जाने वाले कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जिनका एक व्हील ऊपर की तरफ लिफ्टेड होता है और वह दूसरी टायर्स की तरह रोड के साथ मूव नहीं कर रहा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रक के अंदर यह एक्स्ट्रा व्हील क्यों लगाया जाता है? व्हील, आपको जानकर हैरान होगी कि ट्रक के अंदर लगी ये एक्स्ट्रा व्हील एडजस्टेबल होते हैं। ड्राइवर इन्हें अपनी मर्जी से रोड पर चला भी सकता है और हवा में लिफ्ट भी कर सकता है। असल में जब ट्रक के अंदर सामान का लोड कम होता है तब इस टायर को ऊपर की तरफ कर दिया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जब ट्रक में कोई हैवी लोड डाला जाता है तो ड्राइवर इस टायर को नीचे की तरफ कर देता है ताकि बाकी टायर्स के साथ मिलकर ट्रक का लोड कैरी कर सके और ग्रिप बन सके। यही सच में कमाल है। नंबर फोर, दोस्तों हम सब डेली बहुत से परिंदों को बिजली के तारों पर बैठते हुए देखते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि बिजली की तारें बहुत खतरनाक होती हैं। अगर इनसे करंट लग जाए तो परिंदे तो दूर, इंसानों की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परिंदों को बिजली की तारों पर बैठे हुए भी करंट क्यों नहीं लगता? वेल, इसकी एक खास रीजन है। असल में जब परिंदे किसी बिजली की तार पर बैठते हैं तो ये अपने दोनों पांव वायर की एक ही साइड पर रखते हैं। इससे यह होता है कि बिजली के तारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स परिंदों की जिस्म में दाखिल नहीं हो पाते और इन्हें बिजली की तारों पर बैठने के बावजूद भी करंट नहीं लगता। इनकी बैठने का स्टाइल ऐसा होता है कि करंट दोनों साइड से पास हो जाता है। मजे की बात यह है कि हर परिंदा तार पर बिल्कुल ऐसे ही बैठता है। इसके पांव छोटे होते हैं और ये चाहकर भी दूसरे तार तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए यह बिल्कुल सेफ रहते हैं। नंबर फाइव, दोस्तों अगर ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो किसी भी घर में ब्रेड के बगैर नाश्ता अधूरा होता है। लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि जब भी ब्रेड का कोई नया पैकेट ओपन किया जाता है तो इसका फर्स्ट स्लाइस कुछ इस तरह का होता है। इवन इसकी आखिरी स्लाइस भी इसी तरह का बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेड का पहला और आखिरी स्लाइस इसी तरह क्यों बनाया जाता है और अजीब सा क्यों होता है? असल में जब ब्रेड बनाई जाती है तो इसे स्लाइस में नहीं काटा जाता, बल्कि पूरी डो को एक साथ लंबाई में बेक करते हैं
वक्त इस डॉग की स्किन क्रिस्पी और ब्राउन कलर की हो जाती है, जबकि अंदर से ये व्हाइट ही रहती है। जब ब्रेड पक जाती है और इसे स्लाइस में काटा जाता है तो ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट फ्रंट और लास्ट में आ जाता है, जबकि अंदर से यह व्हाइट ही रहती है। एवं ब्रेड के तमाम स्लाइस के किनारे भी इसलिए ब्राउन होते हैं क्योंकि वो बाहर से पकाते हैं और बेक होने के बाद ब्रेड की स्किन को इसे अलग नहीं किया जाता। मजे की बात यह है कि दुनिया के 90% लोग ब्रेड की इन दोनों स्लाइस को नहीं खाते, हालांकि इनमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों लेज हो या कुरकुरे, इस तरह के स्नैक्स तकरीबन हम सब की डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन आप सब ने नोट किया होगा कि दुनिया में जितने भी चिप्स के पैकेट बनाए जाते हैं इनमें हवा जरूर होती है, पर आपने कभी सोचा है कि आखिर इन स्नैक्स में हवा क्यों भरी जाती है? बोले आपको जानकर हैरानी होगी कि हवा ऑक्सीजन नहीं है बल्कि नाइट्रोजन होती है। असल में नाइट्रोजन गैस नॉन ऑक्साइड होती है, यह इन स्नैक्स को नमी से बचाती है और यह हमेशा क्रंची रहती है। इसके अलावा इन पैकेट में हवा भरने के एक और पर्पस है, इस हवा की वजह से इसके अंदर मौजूद स्नैक्स टूट नहीं सकते। अगर चिप्स के पैकेट में हवा नहीं होगी तो ये अंदर मौजूद चिप्स टूट कर बिखर जाएगी। इसके अलावा हवा से ये साइज में भी काफी बड़े लगते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।